नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 12वां टॉपिक इंटरनेट। तो आप लोग जानते हैं इंटरनेट को, जरूर जानते होंगे। चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे दोस्तों आज हम इंटरनेट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और इसके पहले मैंने परीक्षा मंथन के 11 टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और आपको इंटरनेट से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 12 में इंटरनेट की। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरनेट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के बारे में। तो सबसे पहले फोकस करते हैं दोस्तों इंटरनेट पे। तो इंटरनेट क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंटरनेट जो है वो आज के समय में बहुत ही ज्वलंत टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आज 10 साल से लेकर के 90 साल तक का व्यक्ति यूज कर रहा है। दोस्तों पूरे विश्व में इंटरनेट जो है वो संचार क्रांति का युग माना जा रहा है। इस युग को मैं बात करूंगा इंटरनेट के क्षेत्र की। तो दोस्तों इंटरनेट जो है आज के समय में बहुत ही पॉपुलर है, तो इसी इंटरनेट को आज हम पढ़ना वाले। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, इंटर प्लस नेट। तो दोस्तों इंटरनेट का मैं अभी आपको इंग्लिश में संधि विच्छेद बता रहा हूं, मतलब इसे आपको एक इससे भी एक नई चीज सीखने मिलेगी। इंटर का मतलब होता है दोस्तों आपस, और नेट का मतलब होता है जाल। तो आपसी जाल जब विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को नेटवर्कों को विश्व के हजारों नेटवर्कों को कंप्यूटरों को डिवाइसेस को और टेलीफोन लाइन के माध्यम से जब आपस में जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर को या वायरलेस माध्यम के माध्यम से, तो आपसी में एक जाल बनता है, आपसी जाल बनता है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। दोस्तों मैं बात करूंगा दोस्तों एमपीपीएससी की। तो एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका मतलब होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का मतलब होता है संजाल। तो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंटरनेट के डेफिनेशन की। तो इंटरनेट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस नेट, मतलब कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का समूह। बताने तो हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट के डेफिनेशन की। तो बात करेंगे हम डेफिनेशन की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर टू द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि द कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। जैसे अगर हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क को जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। या दो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। मतलब कि ऐसा नेटवर्क जिसमें दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। और इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो विश्व स्तरीय नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। और इंटरनेट जो होता है दोस्तों उसे उसकी दूसरी डेफिनेशन होती है द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। मतलब कि नेटवर्कों को भी इंटरनेट कहा जाता है। मतलब दोस्तों पहली डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें कि दो या दो से अधिक नेटवर्कों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है, जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे तो लेन प्लस वेन या मेन प्लस वेन,
तो दोस्तों यहाँ लेन वेन मेन जो है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है। लेन जो होता है इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेन जो होता है इसका पूरा नाम मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वेन जो होता है उसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये जियोग्राफिकल साइज के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आकार के आधार पर नेटवर्कों के प्रकार होते हैं। तो इन मल्टीपल टाइप के नेटवर्कों को जब आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं दोस्तों, इंटरनेट बन जाता है। तो इंटरनेट में क्या होता है कि मल्टीपल, तो दोस्तों ये जो होता है नेटवर्क होता है। और दोस्तों इन सब चीजों के अलावा भी क्या होता है, जब हमने दो नेटवर्कों को जोड़ दिए तो वो इंटरनेट नहीं बन जाता। इंटरनेट में क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट सर्वर मॉडल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि उन कंप्यूटरों के नेटवर्कों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें एक कंप्यूटर होता है जो पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है, और सारे नेटवर्क के कंप्यूटर उस मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे मेन कंप्यूटर या होस्ट या सर्वर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में आपको नेटवर्क का आगे का पार्ट पढ़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो या दो से अधिक नेटवर्कों का समूह इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट, तो मैंने आपको नेटवर्क जो है प्रीवियस वीडियो में बता दिया दोस्तों। तो नेटवर्क जो होता है दो या दो से अधिक ऑटोनोमस या स्वतंत्र कंप्यूटर जब आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वो डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उसे इंटरनेट कहा जाता है दोस्तों। तो नेटवर्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जैसे अगर हमारे पास में चार पीसी हैं और हमने चारों पीसी को क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है दोस्तों। ये चारों पीसी को आपस में हमने जोड़ दिया है कम्युनिकेशन चैनल या संचार माध्यम के माध्यम से। तो दोस्तों ये बन गया आपका नेटवर्क। मतलब दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों को जब आपने आपस में जोड़ दिया तो ये नेटवर्क बन गया। तो ये इसमें चार कंप्यूटर एक कमरे में जोड़े तो ये क्या बन गया आपका, लेन बन गया दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने इधर भी चार कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया है दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, इधर एक और लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा, और इन कंप्यूटर को आपस में आपने लिंक कर दिया तो ये आपका फिर से लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। और इन दोनों कंप्यूटरों को अगर आपने काय के माध्यम से जोड़ दिया, सर्वर, सर्वर एक मेन कंप्यूटर है, होस्ट कंप्यूटर है, इसके माध्यम से अगर आपने जोड़ दिया दोस्तों तो ये बन गया आपका इंटरनेट। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में इंटरनेट में आगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है वो विश्वव्यापी ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो विभिन्न प्रोटोकॉल की सहायता से एक दूसरे से फाइल का एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। और विश्व के सारे नेटवर्क जो होते हैं वो विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, और ये सारे कंप्यूटर कई सर्वरों से जुड़े होते हैं, और सारे सर्वर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। अगर किसी भी कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो अपने सर्वर से कॉन्टेक्ट करता है। अगर सर्वर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो उस सर्वर से जुड़े हुए अन्य सर्वरों से कॉन्टेक्ट करता है, और इस तरह से इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल किया जाता है। और दोस्तों नेटवर्क जो होता है वो सिंपल टर्म होती है, जब आप तीन या चार कंप्यूटर को आपस में केबल के माध्यम से जोड़ देते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और ऐसे ही विश्व में लाखों नेटवर्क हैं जिन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है तो इंटरनेट का निर्माण होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट का विकास। तो बात करते हैं दोस्तों अब हम इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों हम रात दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, रात दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं, दोस्तों लोग डांटते हैं, फिर भी हम मोबाइल में छोड़ते नहीं हैं और क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। तो बात करेंगे हम इंटरनेट के विकास की, कि कौन सा ऐसा महान प्राणी था जिसने हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग इंटरनेट का विकास किया। तो बात करते हैं दोस्तों हम इंटरनेट की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंटरनेट का जो विचार है वो 1962 में जेसी लिकलाइडर को आया था। इसीलिए दोस्तों इंटरनेट का जन्मदाता जेसी लिकलाइडर को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप इंटरनेट में गूगल पे सर्च मारोगे कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो वहां पे आपका सर्च रिजल्ट आएगा विंटन जी सर्फ। मतलब इंटरनेट के पिता कितने हो गए, दो हो गए दोस्तों। किसी भी इंसान के पिता दो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, एक ही। तो दोस्तों इंटरनेट का पिता जो है विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। तो अब बोलोगे कि बुक में तो लिखा है जेसी लिकलाइडर, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इंटरनेट का विचार जो है वो जेसी लिकलाइडर के ब्रेन में आया था, क्योंकि जेसी लिकलाइडर जो थे ब्रिलियंट पर्सन थे। और उसके बाद में उसके ऊपर काम किसने किया, विचार तो जेसी लिकलाइडर के माइंड में आया कि भाई इंटरनेट का विकास किया जाए, विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाए ताकि इजिली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। परंतु उनने कुछ किया नहीं, बस सोचा और भूल गए। लेकिन दोस्तों विंटन जी सर्फ ने क्या किया, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का निर्माण किया जिसका नाम था अर्पानेट दोस्तों। तो इंटरनेट का विचार 1962 में जेसी लिकलाइडर के ब्रेन में आया,
लेकिन इंटरनेट का विकास करने का श्रेय जो है सर्वाधिक श्रेय, जिसे क्या बोलते हैं सर्वाधिक श्रेय, किसे जाता है? विंटन जी सर्फ को जाता है, जो आप गूगल में जाके देख सकते हैं विकिपीडिया में। तो दोस्तों विंटन जी सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इंटरनेट के विकास में जो है सबसे पहला नेटवर्क, तो दोस्तों बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट की, तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, अमेरिका में क्या था, अमेरिका के आर्मी में क्या हुआ था, पहले अर्पानेट का निर्माण हुआ था, पहला ये जो था दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कौन सा था, तो ये था विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कौन सा था, तो विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था अर्पानेट, और दोस्तों इसका कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका जो डेवलपमेंट है दोस्तों 1969 में अमेरिका के रक्षा अनुसंधान के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान के द्वारा किया गया था, मतलब कि अमेरिका के डिफेंस रिसर्च सेंटर के द्वारा अर्पानेट का निर्माण किया गया था, और इसका पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में आता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है एडवांस, एडवांस का मतलब होता है दोस्तों अग्रिम, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो दोस्तों ये था अर्पानेट का पूरा नाम, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये था दोस्तों विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। तो दोस्तों मैं बात करूंगा इंटरनेट के विकास की, तो मैंने आपको बता दिया है कि विश्व का पहला नेटवर्क जो था वो इंटरनेट में अर्पानेट था, जिसे बनाया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ट्रिपल डब्ल्यू की, तो एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, नाम तो आपने सुना ही होगा टिम बर्नर्स-ली। तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली जो थे इन्होंने सन 1989 में, कौन से सन में, 1989 में एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था जिसका नाम था HTML, नाम सुना होगा दोस्तों HTML, इसका पूरा नाम जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। ये पहली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी दोस्तों, और इसे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है, मतलब कि जो वेब पेज होते हैं, जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं http://www.google.com, तो दोस्तों जब गूगल का होम पेज खुलता है तो वहां पे जो आपको नीले कलर के वर्ड दिखाई देते हैं वो हाइपर टेक्स्ट वर्ड होते हैं, और उन हाइपर टेक्स्ट को कैसे वेब पेज पर दिखना है इस बात का निर्धारण किया जाता है इस HTML लैंग्वेज के द्वारा। तो इस HTML लैंग्वेज का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती दोस्तों, ये एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया, और टिम बर्नर्स-ली का इंटरनेट के विकास में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। बात करूंगा मैं टिम बर्नर्स-ली की, तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में बहुत आता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हिंदी में अगर हम समझे तो वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों विश्व, वाइड का मतलब होता है विस्तार, और वेब का मतलब होता है दोस्तों जाल। तो विश्व में फैला हुआ जाल, काय का फैला हुआ जाल, अरे भैया सूचनाओं का जाल, काय का जाल, सूचनाओं का जाल। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों इंटरनेट की, मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि विश्व के करोड़ों नेटवर्क, लाखों नेटवर्क, हजारों नेटवर्क जब आपस में कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। तो जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हैं दोस्तों, तो उन करोड़ों कंप्यूटरों में क्या है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, कैसी सूचनाएं हैं, वेब पेज के रूप में है। तो दोस्तों वो जो सूचनाएं हैं लाखों करोड़ों सर्वरों पर जो वेब पेजेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, तभी तो हम किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में जाकर उस वेबसाइट का यूआरएल पता लिखकर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो जानकारियां हैं वो आपस में एक दूसरे से एक लिंक के माध्यम से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो
विश्व के हजारों करोड़ों नेटवर्कों में स्थित सर्वरों पर स्टोर डेटा को आपस में जोड़ने का काम या लिंक करने का काम जो है वो टिम बर्नर्स नामक पर्सन ने किया था। इसीलिए टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट के उपयोग की। तो मैंने आपको बताया कि 1969 में अमेरिका के रक्षा अनुसंधान ने इंटरनेट का डेवलपमेंट किया था, जिसमें कि किसका हाथ था, विंटन जी सर्फ और टिम बर्नर्स ली का सहयोग था। लेकिन आम जनता के लिए दोस्तों इसके 20 साल बाद 1989 में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई, आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई दोस्तों। तो विश्व के लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल पहले नहीं करते थे, सिर्फ रक्षा अनुसंधान वाले और आर्मी के अधिकारी ही इंटरनेट का प्रयोग करते थे। लेकिन इसके 20 साल बाद अमेरिका ने आम जनता के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए इंटरनेट को चालू कर दिया। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को दोस्तों। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भारत में इंटरनेट की शुरुआत आजादी के दिन शुरू हुई थी दोस्तों। कई लोगों का बर्थडे भी होगा 1995 में, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1995, यानी मैं पैदा हुआ उस साल इंटरनेट की शुरुआत हुई भारत में। तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई और इसको चालू करने वाली कंपनी का नाम था VSNL। VSNL का पूरा नाम होता है दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है ये एक प्रकार की ISP है। ISP का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ISP का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो इंटरनेट सेवा को प्रदान करती है और उसके बदले में हमें उन्हें शुल्क देना पड़ता है, जैसे जियो, वोडाफोन, आइडिया, BSNL वगैरह वगैरह। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और उन कंपनियों को इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। हिंदी में इन्हें इंटरनेट सेवा प्रदाता, मतलब कि इंटरनेट की सेवा देने वाली कंपनी कहा जाता है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सेवा देती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, इंटरनेट किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। हाँ, इंटरनेट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती है, जिनके बारे में आपको पता होगा, जैसे कि इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी है, ISOC, ऐसी बहुत सारी वैश्विक संस्थाएं हैं जो इंटरनेट को कंट्रोल करती है और हमें इंटरनेट की शुल्क जो है वो इन ISP को चुकाना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको इंटरनेट के बारे में आगे बताता हूं। तो हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट कैसे कार्य करता है, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो आप लोग बहुत इंटरनेट चलाते हैं पर आपको पता नहीं होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो कैसे काम करता है, कि विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। तो इंटरनेट में क्या होता है दोस्तों कि इंटरनेट जो होता है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट किस मॉडल पर कार्य करता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लाइंट क्या है। तो दोस्तों क्लाइंट जो होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब ग्राहक। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं, FB चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप क्या है, इंटरनेट के ग्राहक है, मतलब क्लाइंट है। अब बात करेंगे सर्वर की, तो सर्वर का मतलब ही होता है सेवा देने वाला। जैसे बोलते हैं कि मेरे बेटे को गवर्नमेंट सर्विस लग गई, मतलब वो क्या बन गया, सरकार का नौकर बना है, मालिक नहीं, सरकार का नौकर बना है। और सरकार किसकी, हमारी, और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, सरकार कौन बनाता है, हम बनाते हैं, तो वो किसका नौकर है, हमारा नौकर है। ज्यादा बात नहीं करना इस मैटर में। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्लाइंट सर्वर मॉडल।
तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, थोड़ा मुद्दे से नहीं भटकना है हमको। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है दोस्तों, इसमें एक सर्वर होता है, मतलब कि एक कंप्यूटर होता है जो बहुत बड़ा होता है, या वहां बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर कार्य करते हैं। सर्वर एक ऑफिस होता है और उससे विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो दोस्तों अगर हम डायग्राम के तौर पर अगर देखें तो ये मान लो कि हमारा सर्वर कंप्यूटर है। क्या है ये? सर्वर है। इसके बाद में थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं दोस्तों, सर्वर है ना, सर्वर कंप्यूटर है। और सर्वर कंप्यूटर जो है इससे क्या होंगे, लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े होंगे दोस्तों, छोटे छोटे कम क्षमता वाले हजारों कंप्यूटर या डिवाइसेस जुड़ी होती है। तो ये होते हैं दोस्तों क्लाइंट, ये भी हो गया आपका क्लाइंट और ये भी हो गया आपका क्लाइंट। तो दोस्तों ये सर्वर जो होता है ये फिर इधर काय से जुड़ा होता है, इंटरनेट से जुड़ा होता है, और फिर इस इंटरनेट से कोई दूसरा मेन लेन और वेन, यानी वही है। तो दोस्तों इंटरनेट से अदर नेटवर्क भी जुड़े होते हैं और हम लोग सभी लोग कैसे जुड़े होते हैं, अपने सर्वर से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी क्लाइंट कंप्यूटर को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। क्या करते हैं? वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर में क्या होता है, URL होता है। तो URL में जाके अपनी वेबसाइट का पता लिखते हैं। तो URL में क्या पता लिखते हैं, जैसे हमने पता लिखा https://www.google.com, ये हमने लिख दिया दोस्तों वेबसाइट का पता। तो जब हम, जब क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है, जो क्लाइंट होता है, जो इंटरनेट यूजर होता है, वो अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में जाकर इस तरह से वेबसाइट का पता लिखता है या URL पता लिखता है। किसी भी वेबसाइट के पते को उसका URL पता कहा जाता है दोस्तों। तो उस URL पते को लिखने के बाद यहां से क्या जाती है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना जाती है। किसको जाती है? सर्वर को जाती है, जो सेवा देता है उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर को मैंने बता दिया है आपको, इसे क्या कहा जाता है, होस्ट भी कहा जाता है, हब भी कहा जाता है, और ये क्या होता है, नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है। और सर्वर जो होता है सेवा देता है, मतलब कि अधिक क्षमता वाला होता है, पावरफुल होता है और बाकी कंप्यूटरों को मैनेज करने में सक्षम होता है दोस्तों। तो जब क्लाइंट कंप्यूटर से हमने रिक्वेस्ट भेजे, क्या रिक्वेस्ट भेजे, कि हमको गूगल का होम पेज खोलना, ठीक है दोस्तों। तो ये रिक्वेस्ट कहां जाती है, सर्वर पे जाती है। तो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से जाती है, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है दोस्तों। ये इस प्रोटोकॉल का वर्क भी मैंने आपको बता दिया। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP प्रोटोकॉल का कार्य क्या है, तो क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जब ये रिक्वेस्ट पहुंची सर्वर के पास कि भैया हमको HTML कि भैया हमको गूगल का होम पेज दिखाओ, अवेलेबल कराओ, तो यहां से दोस्तों ये फाइल को ट्रांसफर करता है। किस प्रोटोकॉल की हेल्प से? FTP, नाम तो सुना ही होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से वो वेब पेज क्या होते हैं, यहां पर ट्रांसफर होने लगते हैं दोस्तों। और जब ये वेब पेज यहां पर डाउनलोड हो जाते हैं या दिखाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर उस गूगल सर्च इंजन का, जो आपको गूगल का जो सर्च इंजन खुलता है, जो आपका सर्च बॉक्स खुलता है, वहां पर फिर हम टाइप करते हैं फेसबुक। आप घर में किताब पढ़ो ना पढ़ो, ये बुक तो रोज पढ़ते होगे। तो इस बुक को दोस्तों सभी लोग पढ़ते हैं, फेसबुक, जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने किया था 2004 में दोस्तों, जो ताजमहल देखने आए थे हमारे देश में पिछले साल, याद होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे हम फेसबुक की। तो जब क्लाइंट कंप्यूटर गूगल की सहायता से रिक्वेस्ट भेजता है HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से, तो सर्वर क्या करता है, उससे रिलेटेड डेटा को FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से आपके कंप्यूटर पर भेजता है, और वो जो है आपको गूगल का होम पेज यानी वेबसाइट का पहला पन्ना दिखाई देने लगता है। उसके बाद में जब हम फेसबुक टाइप करते हैं दोस्तों, और फिर हम अपना फेसबुक चला के फ्रेंड लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं एंड इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इंटरनेट काम करता है। अब आपको समझ में आ गया कि विश्व के सारे कंप्यूटर कैसे जुड़े हुए हैं, सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि बालाघाट में सर्वर होगा, सर्वर तो बड़े बड़ी सिटियों में होता है दोस्तों। फेसबुक के सर्वर की बात करूं तो अमेरिका में है, यूट्यूब के सर्वर की बात करूं तो अमेरिका में,
सारे सर्वर अमेरिका में है, फॉरेंस में है, और हमारे देश में नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव ऐसी जगहों पे, बेंगलोर वगैरह में सर्वर होते हैं दोस्तों। तो कॉलेजेस के भी स्पेसिफिक सर्वर होते हैं, जैसे मैं बात करूं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरे कॉलेज में मेरे कॉलेज का खुद का सर्वर था, मेरा कॉलेज ऑटोनोमस था दोस्तों। तो इस तरह से सर्वर होते हैं, और वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत अधिक क्षमता के होते हैं, और उनको 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। वहां पे बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर्स ऑलरेडी जॉब करते रहते हैं, 24 घंटे उसको चालू रखना पड़ता है, मैनेज रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत खर्चा आता है दोस्तों, इसीलिए जगह जगह सर्वर नहीं मिलते आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में इस तरह से इंटरनेट काम करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर जितने भी, जैसे मैंने बोला कि मेरे कॉलेज का सर्वर उज्जैन में है, जो भी है, तो दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश के कंप्यूटर और मेरे कॉलेज से संबंधित उनको रिजल्ट देखना या जानकारी चाहिए, तो वो मेरे कॉलेज का वेबसाइट डालेंगे gesu.com, तो दोस्तों उसके बाद उसका हमारे कॉलेज का सर्वर खुलेगा, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, हम लॉगिन करके अपने रिजल्ट और फॉर्म और अपने एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सारे कंप्यूटर जो है अपने सर्वर से जुड़े हुए हैं। इस तरह से व्यापम का सर्वर है, पीईबी का सर्वर है, बहुत सारे सर्वर है दोस्तों, रेलवे का सर्वर है, तो ये सारे सर्वर से विश्व के सारे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और जब भी किसी क्लाइंट को किसी जानकारी की जरूरत पड़ती है तो वो अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है। और जब अगर मान लो दोस्तों इस सर्वर के पास कोई जानकारी नहीं है, तो इस सर्वर से भी अदर सर्वर इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर ये सर्वर उस जानकारी को देने में सक्षम नहीं होता है, तो वो अपने से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड सर्वर से संपर्क करता है, और उस जानकारी को वहां से लेकर के आपको अवेलेबल करवाता है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम तो मोबाइल में भी इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन अगर हमको अगर एमपी ऑनलाइन खोलना है या कोई शॉप खोलना है और इंटरनेट का वाइडली लेवल पर यूज करना है, तो हम क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, एक पीसी लगेगा आपको या लैपटॉप लगेगा, जो क्या होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट का यूज हम तभी कर सकते हैं किसी कंप्यूटर में जब उसकी रैम 32 MB से ज्यादा की होती है, मतलब 32 MB। किसी भी मोबाइल में अगर आपको इंटरनेट चलाना है दोस्तों, तो उसकी रैम अगर 32 MB से ज्यादा है, तभी आप उसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, 1 GB की रैम होती है, 512 MB की रैम होती है, 2 GB की रैम होती है, 4 GB की रैम होती है, 8 GB की भी रैम होती है। लैपटॉप में भी एक्सपेंडेबल रैम होती है दोस्तों, वहां पे 2-2 स्लॉट बने होते हैं मदरबोर्ड पे, जहां पे आप जाके। और मैं आपको जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगी और जितना ज्यादा उसका अच्छी क्वालिटी का माइक्रो प्रोसेसर होगा, उतनी तेजी से आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट की स्पीड को एक्सेस कर पाएंगे और इंटरनेट का आनंद ले पाएंगे दोस्तों। इसके बाद में सबसे पहली बात कि इंटरनेट के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें 32 MB से ज्यादा इंटरनेट हो, ये मोबाइल के लिए है दोस्तों, और कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए 2 GB के ऊपर की रैम होना चाहिए, तब आप स्मूथली इंटरनेट चला सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड चीज दोस्तों, मॉडेम की जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है आपका कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि वही आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए वायरलेस इंटरनेट में कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि आपका ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर आपकी कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल, इस तरह की आपको कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी एंड ISP। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले पीसी और लैपटॉप की। तो अगर आपको इंटरनेट चलाना है, तो आपको एक हाई क्वालिटी का मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। दूसरी चीज मॉडेम, दोस्तों आपको पता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, लेकिन हमारी जो टेलीफोन लाइन है वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ले जा सकती है। अगर आपने कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ा है, तो आपको मॉडेम का प्रयोग करना पड़ेगा। मॉडेम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लैपटॉप में जो लगा होता है वो अंदर मदरबोर्ड पे लगा होता है, इसलिए उसको इंटरनल मॉडेम बोलते हैं। और अगर आप ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं, एमपी ऑनलाइन का, तो वहां पर दोस्तों आप बाहर में एक डब्बा रखा होता है जिसमें ग्रीन कलर की LED जल रही होती है, वो एक्सटर्नल मॉडेम होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन केबल या चैनल की। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, वह फिजिकल पाथ जिससे होकर के डेटा ट्रेवल करता है, कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है वायर्ड मीडिया
और एक होता है वायरलेस मीडिया, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वेब ब्राउजर जो होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि ये एक ही प्रकार के कार्यों को करता है इंटरनेट पर। देखो नाम क्या है, वेब। वेब का मतलब होता है विश्व स्तरीय, और ब्राउजर तो ब्राउज करना मतलब होता है दोस्तों खोजना। क्या होता है ब्राउज, ब्राउज एक वर्ब होती है दोस्तों इंग्लिश में, ब्राउज का मतलब होता है खोजना, और ब्राउजर मतलब खोजने वाला, विश्व स्तरीय खोजने वाला। मतलब कि आप वेब ब्राउजर में टाइप किए, क्या टाइप किए, प्रवीण बागड़े कंप्यूटर जी के, तो क्या मिलेगा आपको, मेरे द्वारा पढ़ाए गए विभिन्न मल्टीपल कंप्यूटर के वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। तो वेब ब्राउजर क्या है, विश्व स्तरीय खोज करने का एक माध्यम है, एक इंटरफेस है। क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक विश्व स्तरीय इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जिसके सर्च बॉक्स में या यूआरएल बॉक्स में जाकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का पता डाल सकते हैं और उससे संबंधित जानकारियों को खोज सकते हैं। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन सा वेब ब्राउजर, अरे भैया मार्केट में बहुत से वेब ब्राउजर है, मैं बताता हूं आपको। गूगल क्रोम सभी के मोबाइल में होगा, है कि नहीं दोस्तों, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी जो है दोस्तों वेब ब्राउजर के नाम है, ज्यादा घबराना नहीं है। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम जो है दोस्तों एक गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ये वेब ब्राउजिंग की ये इंटरनेट पर जानकारियों को बहुत तेजी से खोजता है दोस्तों, इसमें जो है डाउनलोडिंग काफी फास्ट होती है। अगर आपको bossmovie.com में जाना है और वहां पे अगर आपको लेटेस्ट बादशाह का गाना डाउनलोड करना है, वीडियो डाउनलोड करना है, तो आप गूगल क्रोम में जाइए और bossmovie.com करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जो है पॉपुलर सॉन्ग और म्यूजिक सुन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यूसी ब्राउजर जो होता है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट ब्राउजिंग के लिए होता है और डाउनलोडिंग के लिए भी, ये ब्राउजिंग के लिए बहुत यानी जानकारियों को खोजने के लिए बहुत जल्दी, इसमें वेब पेज बहुत जल्दी जल्दी लोड होते हैं। यूसी ब्राउजर में डाउनलोडिंग बहुत तेजी से होती है, और आपका ओपेरा मिनी जो होता है वो फास्ट वेब ब्राउजर होता है, मतलब कि उसमें तेजी से ब्राउजिंग कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है दोस्तों वो सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लोग इंटरनेट बैंकिंग करते हैं वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग ऑनलाइन, उसमें क्या होता है कि आपके पासवर्ड वगैरह सेव कम होते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों वेब ब्राउजर होते हैं, इनका उपयोग जो है इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को विजिट करने के लिए, जानकारियों को खोजने के लिए किया जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको आईएसपी के बारे में। तो आईएसपी का पूरा नाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आईएसपी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं, इंटरनेट मतलब इंटरनेट, सर्विस मतलब सेवा, और प्रोवाइडर मतलब प्रदाता। इंटरनेट की सेवा देने वाली कंपनियों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट की सेवा करने वाली पहली कंपनी का नाम क्या था, उसका नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। इसके बाद में मैं बता दूं दोस्तों वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है जियो, जियो भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो बहुत ज्यादा चल रही है। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज छूट गई है, मैं आपको बता रहा हूं, पहला वेब ब्राउजर जो था दोस्तों उसका नाम था मोज़ेक। वेब ब्राउजर जो था दोस्तों पहला वेब ब्राउजर था, यानी पहला जो वेब ब्राउजर था वो तो था दोस्तों आपका आर्ची वेब ब्राउजर था, लेकिन ये जीयूआई पर आधारित नहीं था। और जीयूआई पर आधारित जो पहला वेब ब्राउजर था उसका नाम था मोज़ेक। तो ये दोनों फैक्ट को आपको रट लेना है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ही क्रांति वाला टॉपिक, प्रोटोकॉल, जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कि द प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन, मतलब कि
इन्हें कंप्यूटर नेटवर्क, यानी बात करेंगे हम दोस्तों प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल जो होते हैं नियमों का समूह होते हैं जिनकी सहायता से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो दोस्तों आपको आंख बंद करके TCP/IP प्रोटोकॉल पे क्लिक कर देना है। मतलब कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है जिसके बिना दो कंप्यूटर आपस में बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो सकते इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों। तो TCP/IP प्रोटोकॉल को इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है। और प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन। तो दोस्तों विश्व में लाखों करोड़ों हजारों नेटवर्क जुड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार की हेट्रोजीनस डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। और जब मान लो दोस्तों एक कंप्यूटर ये है, इसमें मान लो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, दूसरा कंप्यूटर है इसमें मान लो कि विंडोज डला है, दूसरे कंप्यूटर में मान लो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, दोनों कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे दोस्तों अपन मीडिया। ये कंप्यूटर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए सेंडर है, ये मान लो कि रिसीवर है, ये कंप्यूटर मान लो दोस्तों थोड़ी देर के लिए HP कंपनी का है, ये एसर का है, या मान लो कि ये HCL का है। तो दोनों कंप्यूटर दोस्तों अलग अलग कंपनी के हैं, दोनों कंप्यूटर में अलग अलग कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। जब ये कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े दूसरे कंप्यूटर, या मान लो कि इन दोनों कंप्यूटर काय से जुड़े हुए हैं, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अब इंटरनेट से जुड़े मतलब कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये कंप्यूटर इंडिया में है, ये कंप्यूटर मान लो जापान में है दोस्तों। तो दो अलग अलग कंट्री के दो कंप्यूटर जुड़े, दोनों में अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स यूज हो रहे हैं। तो जब इस कंप्यूटर की कोई फाइल को इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों, तो दोनों कंप्यूटरों को TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आप एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए TCP/IP प्रोटोकॉल को इंटरनेट का क्या कहा जाता है, मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। मतलब कि विश्व में जुड़ी हुई अलग अलग विजातीय हेट्रोजीनस डिवाइसेस को आपस में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ विशेष नियमों को मानना ही पड़ता है, और इन्हीं नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इन प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा TCP/IP के बारे में। TCP/IP, तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन दोस्तों, TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है। तो TCP/IP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें जो आपका TCP जो होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है दोस्तों। कॉम्पिटिशन एग्जाम में CPCT में क्वेश्चन आता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल को कहा जाता है। अब चार ऑप्शन दे दिया आपको, TCP, SMTP, HTTP, FTP, अब लगाते रहो पता कैसे लगाऊंगे, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए दोस्तों कि क्यों कहा जाता है। साइंस के बच्चों के मन में यही सवाल आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां। तो दोस्तों बात करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, तो इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है। इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जब इंडिया के कंप्यूटर से जापान के कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, तो क्या किया जाता है, भेजे जा रहे डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर भेजा जाता है। तो ये जो डेटा पैकेट होते हैं दोस्तों, जिन्हें फ्रेम्स कहा जाता है, ये वायरलेस मीडिया के माध्यम से विभिन्न रास्ते से होते हुए जापान पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों जब ये डेटा पैकेट जापान पहुंचते हैं, तो जो आपका रिसीवर कंप्यूटर होता है वहां पर जाकर ये वापिस से, मान लो कि आपने 10 पैकेट ऐसे भेजा, तो 10 पैकेट वहां डिलीवर होने के बाद फिर से अपने पैकेट नंबर के हिसाब से क्रमवाइज जुड़ जाते हैं। तो ये काम कौन संभालता है दोस्तों, आपका ये TCP प्रोटोकॉल संभालता है। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद में आप बोलोगे कि सर IP प्रोटोकॉल का काम क्या है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, IP प्रोटोकॉल का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, IP प्रोटोकॉल जो है, ये जितने भी पैकेट जो है दूसरे कंप्यूटर को भेजे जाते हैं, उन पैकेटों में
आईपी प्रोटोकॉल भी उसके साथ कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर के पते को सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों। तो ये आईपी प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी कंप्यूटर के आईपी पते को बताता है, आईपी एड्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जितने भी विश्व में लाखों करोड़ों कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ये आपका मोबाइल फोन है जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है दोस्तों। मतलब इंटरनेट पर उसका पता, क्या होता है उसका पता, जो कि उसकी फिजिकल लोकेशन और उसके नेटवर्क एरिया पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आईपी एड्रेस की ये डेफिनेशन होती है कि आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क का यूनिक पता होता है, किसी भी कंप्यूटर का यूनिक पता होता है जिसे हम इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस का मतलब ही होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या बोला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए, आईपी एड्रेस जो होता है इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 32 बाइट होता है दोस्तों, 32 बिट होता है, कितना होता है 32 बिट होता है, मतलब कि 4 बाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपी एड्रेस का साइज 32 बिट होता है तो सर ने 4 बाइट क्यों लिख दिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, तो 32 बिट में कितने बाइट होंगे, तो 32 में हम क्या कर देंगे 8 का भाग दे देंगे, तो ये बन गया 4 बाइट दोस्तों। तो ये आईपी एड्रेस का साइज कंपटीशन एग्जाम में आता है कि आईपी एड्रेस का साइज कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है जो शुरुआत में डेवलप किया गया था। और आईपी एड्रेस के दो वर्जन है दोस्तों, IPv4 और IPv6। तो IPv4 जो था दोस्तों वो 32 बिट का था और IPv6 जो था वो 128 बिट का था। इस तरह से दो प्रकार के वर्जन होते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस के। और आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपी एड्रेस को 5 क्लासों में बांटा गया है। तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो जो क्लास ए होती है दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज की जाती है, और क्लास बी जो होती है दोस्तों ये भी, क्लास सी, इन तीन क्लास का यूज किया जाता है दोस्तों, क्लास डी जो होता है ये और क्लास ई जो होता है इनका यूज बहुत कम किया जाता है, सर्वर और वर्क स्टेशनों के द्वारा इनका यूज किया जाता है। तो मैं आईपी एड्रेस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अब आप आगे बढ़ते हैं आगे के प्रोटोकॉल पे, SMTP। तो SMTP प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो SMTP का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि साधारण संदेश भेजने वाला प्रोटोकॉल। तो ईमेल के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, इंटरनेट पर फ्री सेवा होती है, आप जीमेल पे अपनी ईमेल आईडी बना के फ्री संदेश भेज सकते हैं, दोस्तों के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल की हेल्प से इंटरनेट पर संदेशों को भेजा जाता है, इन्हें ईमेल कहा जाता है। ईमेल के आविष्कारक रे टॉम लिंसन है दोस्तों, ईमेल के आविष्कारक कौन है, रे टॉम लिंसन। इसके अलावा दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों ने दोस्तों जीनियस मूवी देखा होगा, उसमें एक बहुत ही धांसू डायलॉग है, मैं आपको बताता हूं। मैं जब वो हीरो हीरो जो हीरोइन होती है दोस्तों, जब वो बात कर रहे होते हैं तो लड़की बोलती है हीरो को कि मुझे लाइन मार रहे हो, तो बोलता है नहीं, वो बोलता है कि मैं तुम्हें कब से मेल करने, यानी हीरोइन बोलती है कि क्यों तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो बोलता है नहीं मैं तो तुम्हें कब से मेल करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें कब से अपना संदेश देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मेल करना मतलब किसी को संदेश देना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आपको गलत नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मेल करना मतलब संदेश भेजना, तो संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि
साधारण संदेश को भेजने वाला प्रोटोकॉल SMTP। SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद में HTTP। HTTP जो होता है दोस्तों, HTTP के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। HTTP प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर पर जो वेब ब्राउजर होता है उसमें हम कोई भी उसके URL में जाके कोई भी वेबसाइट का पता लिखते हैं, तो पहले HTTP लिखते हैं। तो ये HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, ये क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, और ये फेसबुक का सर्वर है। ये क्या है? फेसबुक सर्वर। अब आपने यहां पे क्या किया? अपना लॉगिन किया। क्या किया? आईडी डाला और पासवर्ड डाला। तो ये रिक्वेस्ट कहां गई? फेसबुक सर्वर पे गई। तो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से गई? HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से गई। तो ये होता है दोस्तों HTTP का काम। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों FTP प्रोटोकॉल की। तो FTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, इसका नाम ही है फाइल। फाइल का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण प्रोटोकॉल, मतलब कि रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने वाला प्रोटोकॉल। जब दो कंप्यूटरों को आपस में हम जोड़ देते हैं, अब मान लो दोस्तों कि इस कंप्यूटर को कोई फाइल को यहां पे भेजा गया, तो वो क्या होगा? फाइल का स्थानांतरण हो गया। तो वो क्या हो गया? किस प्रोटोकॉल की हेल्प से होगा? FTP। तो FTP प्रोटोकॉल के दो काम होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका अपलोड और एक होता है आपका डाउनलोड। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से कोई सेल्फी को अपलोड करते हैं तो वो फेसबुक के सर्वर पर चली जाती है, और आपके सारे फ्रेंड उसे देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है अपलोड, मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल या किसी डेटा को सर्वर कंप्यूटर पर पहुंचाना अपलोड कहलाता है। एंड सर्वर कंप्यूटर पे, जैसे दोस्तों बादशाह का मान लो नया कोई एल्बम आता है, तो वो सर्वर पे वो फाइल मल्टीमीडिया की स्टोर हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में उस वेबसाइट को, संबंधित वेबसाइट को ओपन करके उस गाने को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना मतलब सर्वर की किसी फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करना। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों गोफर की। तो गोफर जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर आपकी जानकारियों को खोजने में मदद करता है। गोफर, गोबर मत सुनना दोस्तों। इसके बाद में होता है आपका टेलनेट। तो टेलनेट जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। टेलनेट का पूरा नाम होता है दोस्तों टेली टाइप नेटवर्क। क्या होता है? टेली टाइप। टेली का मतलब होता है दोस्तों दूर। टेली का मतलब क्या होता है? दूर या सुदूर। और टाइप का मतलब दूर वाला प्रोटोकॉल। तो टेली टाइप नेटवर्क मतलब ऐसा कंप्यूटर प्रोटोकॉल जिसकी सहायता से हम दूर स्थित कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। रिमोट लॉगिन, नाम सुना होगा दोस्तों आपने, रिमोट लॉगिन का मतलब होता है सुदूर प्रवेश। इसका मतलब होता है दोस्तों, मान लो कि ये भारत का कंप्यूटर है और ये चाइना का कंप्यूटर है, तो भारत के लोग जब चाइना के कंप्यूटर के किसी फाइल को एक्सेस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? रिमोट लॉगिन बोलेंगे दोस्तों। और वहां रिमोट लॉगिन कई लोग यूज करते हैं और दूसरे कंप्यूटर पे पूरा अधिकार जमा लेते हैं, और वहां पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन यानी दूर स्थित कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, या वहां की फाइलों को एक्सेस करने के लिए, या वहां के कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे टेलनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। मतलब ये टेली यानी टेली टाइप नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, यानी ये दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करने में मदद करता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों यूजनेट की। तो यूजनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है दोस्तों यूजर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है दोस्तों, उसमें एक सर्वर होता है, उससे क्या होते हैं? मल्टीपल क्लाइंट जुड़े होते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें इस नेटवर्क में क्या होता है, एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, लेकिन एक और नेटवर्क होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाम सुना है आपने दोस्तों? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और सभी कंप्यूटर कैसे होते हैं, समान क्षमता के होते हैं दोस्तों। तो इन कंप्यूटरों को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये किसी एक दूसरे की हेल्प करके काम चला लेते हैं। तो ऐसे नेटवर्क में जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है यूजनेट, मतलब यूजर नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसे यूजर लोग यूज करते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों पीओपी की। तो पीओपी का पूरा नाम होता है दोस्तों POP3, इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग जो है दोस्तों, जब किसी को आपने ईमेल भेजे और वो ऑनलाइन नहीं है, तो आपका आपका ईमेल कहां चला जाएगा, मेल सर्वर पे, मतलब एक ऐसा डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है नेटवर्क पे जहां पे सारे मेल टेम्पररीली या परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो वहां से रिसीवर को मेल को डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई भी अटैचमेंट को, तो वो अटैचमेंट को डाउनलोड करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसके बाद में UDP प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। ये जो होता है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड का नाम था TCP, लेकिन UDP प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूज किया जाता है और मेश टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। इसके बाद में ARP जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। इसका पूरा नाम एड्रेस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों इसे। इसका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, इसके बाद में इसे बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसके बाद में आपको आगे बताता हूं। इसके बाद दोस्तों वेब प्रोटोकॉल जो होता है वो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। वेब का पूरा नाम होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद में दोस्तों लास्ट में होता है VOIP प्रोटोकॉल, जिसका पूरा नाम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं जियो का, तो वो VOIP प्रोटोकॉल की हेल्प से आप जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से बातचीत करते हैं, इसीलिए जियो की जो वॉइस है काफी क्लियर आती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं वेब एड्रेस एंड URL। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी वेब पेज या जानकारी जो इंटरनेट पर डाली जाती है उसका एक अद्वितीय पता होता है, जिसे उसका वेब एड्रेस कहा जाता है। और URL जो होता है दोस्तों, जब हम उस वेब एड्रेस को जिस बॉक्स में डालते हैं तो उसे URL बॉक्स कहा जाता है, और वेब एड्रेस को ही URL एड्रेस भी कहा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने पहला URL का निर्माण किया था। और हम बात करेंगे वेब एड्रेस की, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। जैसे अगर हमने मान लो कोई एक वेबसाइट का पता लिखा है http://www.google.com, इसके बाद में जो भी है, इस टाइप से दोस्तों किसी भी वेबसाइट का URL पता होता है। और ये जो HTTP है ये क्या है दोस्तों, ये जो HTTP है इसे कहा जाता है आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। मतलब दोस्तों किसी भी, ये पूरा क्या है आपका URL एड्रेस है, URL एड्रेस या वेब एड्रेस। काहे का वेब एड्रेस, गूगल नाम की वेबसाइट का URL एड्रेस या वेब एड्रेस है दोस्तों। तो उसमें HTTP क्या है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, मतलब कि वेब ब्राउजर में इसको डालना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं भी डालते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है।
इसके बाद में कॉलन डबल फॉरवर्ड, ये ट्रिपल डब्ल्यू क्या है दोस्तों, ये है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब विश्व के सारे सर्वरों पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और पहले सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब को जिसने डेवलप किया है टिम बर्नर्स-ली ने, ये उन्हीं ने डेवलप किया है, कब किया था 1989-90 में टिम बर्नर्स-ली ने इसे डेवलप किया है दोस्तों। और ये जो गूगल है ये क्या है, वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम, इसे सर्च इंजन भी कहा जाता है दोस्तों। डॉट कॉम क्या है, ये आपका डोमेन नेम है। तो दोस्तों आप अपने ध्यान से देखिए यूआरएल पते को, कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश और डॉट का यूज किया जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका वेब एड्रेस, जिसे कहां लिखा जाता है, जब आप ऐसा करके सर्च किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर आप किसी भी वेबसाइट के जब यूआरएल या यूआरएल पते या वेब एड्रेस को लिखते हैं तो उस वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है दोस्तों। किसी भी वेबसाइट का पहला पन्ना जो है उसका होम पेज कहलाता है, तथा वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजों का समूह होती है, तथा प्रत्येक वेब पेज को दोस्तों डेवलप किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML, XML और JavaScript के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रिपल डब्ल्यू है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब विश्व में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। गूगल जो है दोस्तों वेबसाइट का नाम है, और गूगल एक सर्च इंजन भी है जिसका डेवलपमेंट 1998 में किया गया। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल का विकास कब किया गया, तो दोस्तों गूगल का विकास 1998 में किया गया, 1998 में। इसके बाद में डॉट कॉम जो है दोस्तों ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है, ये सर्वर के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। किसी भी सर्वर का जो आईपी पता होता है उसे आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होगी, उस आईपी पते को याद न करते हुए उसके डोमेन नेम को याद रखना पड़ता है। और डोमेन नेम जो होते हैं दोस्तों वे कई प्रकार के होते हैं, जेनरिक डोमेन नेम और कंट्री लेवल डोमेन नेम, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद में दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड एक पीडीएफ वीडियो भी डालने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियो को देखें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इस तरह दोस्तों मेरा ये चैप्टर इंटरनेट कंप्लीट हुआ। मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे टॉपिक मेरे छूट गए हैं, लेकिन मेरे आने वाले वीडियोस में वो सारे टॉपिक इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट सारे कवर किए जाएंगे। तो बने रहे मेरे चैनल पे। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके अपनी राय दे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।